भूख रहे हैं दुनिया के लोग, गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है, बेटी मार दी, बेटी का बलात्कार हो गया, वीआईपी के सारे सबूत छिपा दिए, लेकिन गढ़वाल सोया है। मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, एक तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है, और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मंगाई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने अपने विवादित बयान के लिए राज्य से माफी मांगने की बात कही है। दरअसल अंकिता भंडारे को न्याय दिलाने के मकसद से निकाली गई न्याय स्वाभिमान यात्रा के दौरान गढ़वाल की जनता पर दिए गए अपने बयान के लिए करण महारा बुरी तरीके से घिर गए थे, जिसके बाद महारा के साथ साथ पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी। प्रदेश में उठते विरोध की आवाजों के बीच आखिरकार करण महारा ने भूल स्वीकारी है और उन सभी लोगों से माफी मांगी है जिनको उनके बयान से ठेस पहुंची। इसी के साथ अब कांग्रेस के मनीष खंडूरी पर भी माफी मांगने का दबाव बन गया है, खासकर तब जब प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं के बयान पर घमासान मचा हुआ है। जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी के बयानों ने सोशल मीडिया पर जमकर बवाल मचाया हुआ है। दोनों ही नेताओं के भाषण के कुछ क्लिप इंटरनेट पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। इन बयानों में सुना जा सकता है कि कैसे पहले करण महारा और फिर मनीष खंडूरी ने अंकिता भंडारी के लिए जज्बे से न्याय की गुहार न लगाने के आरोप में गढ़वाल की जनता को भला बुरा कहा है, जहाँ एक तरफ करण महारा ने बयान में कहा कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है, गढ़वाल सोया हुआ है, तो वहीं मनीष खंडूरी ने सभी सीमाएं लांघ दी है और बोल बैठे कि अगर आपका खून नहीं खोलता तो आपके मान सम्मान पर मैं थूकता हूं। अब हालांकि कांग्रेस ने इन बयानों को कटाफटा बताकर भाजपा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया हो, लेकिन मामले में जनता की आलोचना का शिकार दल को होना पड़ा है। अपनी सफाई में करण महारा ने पूरे बयान को कांग्रेस के फेसबुक पेज पर अपलोड करते हुए दल ने भाजपा के आईटी सेल पर नेताओं के बयान का आधा अधूरा सच सोशल मीडिया पर फैलाने का आरोप लगाया। वहीं मनीष खंडूरी ने भी अपने फेसबुक पेज पर अपनी सफाई में लिखा कि मैं उनको साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पोस्ट कर रहे हैं और झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, मेरी टिप्पणी अंकिता भंडारी के हत्यारों और उनको बचाने वालों पर थी, जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा था कि वो इस पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के परिवार पर फप्तियां कर रहे थे और अंकिता के माता पिता पर हंस रहे थे। इनके बारे में मेरा जो स्टैंड कल था वो आज भी है और कल भी रहेगा। अब हालांकि मनीष खंडूरी ने अपना स्टैंड न बदलने की बात कही है, लेकिन जिस तरीके से लोगों में आक्रोश है उसके बाद कांग्रेस के आगे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस नेताओं के गढ़वाल और पहाड़ के लोगों पर दिए विवादित बयान के बाद पार्टी नेता जनता की आलोचना का शिकार हो गए हैं। न केवल सोशल मीडिया पर करण महारा और मनीष खंडूरी को लेकर उबाल देखने को मिला है, बल्कि साथ ही गढ़वाली समाज की महिलाओं ने कांग्रेस अध्यक्ष का पुतला फूंक कर महारा के बयान के खिलाफ अपना विरोध भी जताया है। उधर भाजपा भी लगातार कांग्रेस से अपने बयान वापस लेने की मांग कर रही थी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से लेकर महेंद्र भट्ट तक मामले में महारा और खंडूरी को घेर चुके हैं। हर तरफ से विरोध की आवाजें सुनने के बाद अब महारा माफी मांग रहे हैं, उपवास करने की बात कर रहे हैं। सुनिए ने उपवास में क्षमा मांगना चाहता हूं, एक तो जिन्होंने पूरी वीडियो देखे बिना नाराजी है, और वीडियो देखने के बाद भी जिनको नाराजी होगी उनसे मैं माफी भी मांगूंगा, क्योंकि मेरा मंतव्य किसी का हृदय दुखाना नहीं है। दूसरा, मैं इसलिए भी उपवास करूंगा कि मुझे प्रायश्चित है कि मेरी एक छोटी सी त्रुटि या शब्द हम की जगह तुम कहने से ऐसे लोगों को बाहर निकलने का मौका मिल गया जो गुफा में छिप गए थे अंकिता मर्डर केस के बाद, जो बाहर नहीं निकल रहे थे, जो एक बीजेपी की बहन जो ऋषिकेश की है उसके माफ़ी मांगने में उसके ये कहने में भी अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जिन्होंने उसका निष्कासन किया, उन लोगों को जबान खुलने का मौका मिला, उसके प्रायश्चित स्वरूप मैं पूरे दिन का उपवास रखूंगा और डेट आपको बता दी जाएगी। विवादित बयानों के लिए घिरी कांग्रेस अब हालांकि भाजपा पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं न कहीं मामले में पार्टी की अंदरूनी रार भी खुलकर सामने आई है। दरअसल कांग्रेस की अनुशासन समिति ने कांग्रेस के ही नेता राजेंद्र शाह को नोटिस भेज दिया है। बताया जा रहा है कि करण महारा के बयान का विवादित हिस्सा सबसे पहले राजेंद्र शाह ने ही वायरल किया था। अब दोनों ही नेताओं में दोषारोपण की राजनीति भी शुरू हो गई है। ऐसे में आने वाला समय कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण हो चला है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को मुद्दा बनाकर जो कांग्रेस भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही थी, अब एक चूक ने पार्टी के सामने दो समस्याएं खड़ी कर दी है। पहला तो जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर कांग्रेस ने भाजपा को मौका दे दिया है, और दूसरा दल की अंतर्कलह भी सत्ता पर आ गई है। अब देखना यह है कि विपक्ष अपने ही हाथ से किए अपने नुकसान की भरपाई कैसे करता है, कर भी पाता है या नहीं। इसी सवाल के साथ आज विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे, बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।